रुके। अबे तेरे को रुक जा बोला ना। हाँ अबे मैराथन में भाग रहा है क्या? न तुझमें सेंस है न गन में लाइसेंस है। टेंशन नहीं लेने का, गुड, धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर। मैं इसे जिंदा या मुर्दा ला रहा हूँ, बस मेरा माल रेडी रखना। साला नखरे मत कर, अंदर बैठ, चल। कौन हो तुम और तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे? तुम ये सब कर क्यों रहे हो? साले गन मेरे हाथ में और सवाल तू पूछ रहा है? एक लफ्ज निकाला तो खोपड़ी खोल दूंगा। ओके ओके अंकल। मेरा मतलब है बड़े भाई, मुझे शादी में जाने दो ना, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ये नामुमकिन है। फिल्म देखता है क्या? रोज देखता हूँ। चल कोई गाना सुना। मुझे गाना नहीं आता। कहानी आती है? चल कोई कहानी सुना। अबे बोलेगा या ठोक दूँ? बोलता हूँ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई और अबे यहाँ ना चंदू का चाचा है ना उसकी चाची, मेरे को बच्चा समझाए क्या? तेरी कहानी सुना। ए मैं क्या बोलता है, मतलब तेरी जिंदगी की कहानी। कोई लव स्टोरी है तेरी जिंदगी में? चल पता ना कैसे शुरू हुई, सुना ना। मेरा नाम गौतम है। मेरी जिंदगी में कई लड़कियां आई, लेकिन सिमरन वो सबसे अलग थी। मैं उसके बर्थडे पर उसे प्रपोज करके सरप्राइज देना चाहता था। मैं आ रहा हूं सिमरन, लेकिन किस्मत का खेल आज तक कौन समझ पाया। देखिए मैंने उसे देख लिया है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बस दवाइयों पर ध्यान दीजिए, उनको वक्त पर दवाई देना बहुत जरूरी है। सिमरन वो बच तो जाएगा ना। डॉक्टर आनंद कहाँ पर है? वो तो सिमरन के साथ टाइम पास कर रहे हैं। ये सिमरन कौन है? पेशेंट की गर्लफ्रेंड। ये बेहोश पड़ा है और वो डॉक्टर के साथ गुलझर्रे उड़ा रही है, इसको पता चला तो क्या हाल होगा इसका। छोड़ना हमें क्या। गोगनपल्ली के केपीएचपी कॉलोनी में एक बहुत बड़े डॉक्टर के घर में 10 साल की होममेट सुनीता को बेदर्दी से पीटा गया। उनके खिलाफ चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन की हेड श्रीमती रेवती ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कहाँ रखा है? कोई भी चीज जगह पे कभी नहीं मिलती। एक बात याद रखिए, हम उन्हें सजा दिलवा कर रहेंगे। से नो टू चाइल्ड लेबर, नो चाइल्ड लेबर, नो चाइल्ड लेबर। मैं भी चाइल्ड लेबर ही हूँ, केस कर दूंगा तुम पे। हाँ चाइल्ड, और तू अब तो तेरे बच्चों के डायपर बदलने का टाइम आ गया है। कल कहाँ पे गई थी आप? तुम्हारी मौसी के घर। गलत जवाब, आप चाइल्ड लेबर को रोकने गई थी। क्या ये सब इन झमेलों में क्यों जाती हैं आप? इधर देख, आयरन लेडी है तेरी माँ। आयरन को जंग लग गया है, दो कदम चलते पैर की नस चढ़ जाती है। मैं हूँ तो आपका ख्याल रख रहा हूँ, मेरे बाद कौन रखेगा? अरे मैं तो भूल ही गई, बड़ा आया मुझे संभालने वाला। ये ले तेरे लिए एक शादी का कार्ड आया हुआ है। मेरे किसी दोस्त की तो शादी नहीं हो रही, फिर ये किसका कार्ड है? ये डॉक्टर ने मुझे मरीज बना के अपना इलाज करवा लिया। अरे सिमरन शादी नहीं कर सकती है क्या? 6 महीनों से गौतम को घुमा रही थी और शादी किसी और से कर ली, अपने दोस्त को ऐसे कोई चुना लगाएगी? तू बोल उसका क्या करने का है। कर भी क्या सकते हैं,
अब ये लड़कियों के पीछे दुम हिलाना बंद, अब अपनी वट बनाऊंगा। और क्या बनाएगा? इससे पहले कि लड़की मुझे छोड़े, मैं ही उसे छोड़ दिया करूंगा। भले 10 साल तक लड़कियां छोड़नी पड़े, छोड़ूंगा पर सर नहीं झुकाऊंगा। क्या यार, तू बोलना क्या चाहता है? मतलब हम सिमरन की शादी में जाएंगे, वो भी मुस्कुराते हुए, और डॉक्टर को बद्दुआएं देंगे। कार पार्क करके आ जाना। हा? चलना। भाई आज यहाँ एक लड़की से तो दोस्ती करके ही रहूंगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लड़कियां मेरे पीछे पड़ेंगी। मेरे भाई आजकल कोई चिट्ठी नहीं डालता है, तेरा पोस्ट बॉक्स बंद कर, सब दिख रहा है। हाय बहुत नसीब वाले हो जी सिमरन जैसी। हाँ, अब क्या करें? पूरा खंबा किधर मिलेगा? पीछे मिलेगा। बेवफाई कि उसने दे मेरे साथ। ऐसा क्यों किया तुमने? खंजर घोप लिया। अगर कोई हॉस्पिटल जाए तो उसके डॉक्टर सही टाका थोड़ी भिड़ाते हैं। डॉक्टर भी बागड़ बिल्ला निकला, दूध की रखवाली करने बोला था, खुद ही चट करके अब डॉक्टर के नाम पे धब्बा। तुम्हारी इस हरकत पे उल्टी करने का मन कर रहा है ऐसे? अरे यहाँ से आवाज आ रही है। साइड शादी में मुफ्त का खाना मिल रहा है तो बिना चबाए खा लिया गया। सवल कर ये आराम से दारू की बस, मतलब पीछे उल्टी कर रही है। ये ब्रांड तो मेरा वाला सेम बेंच। हम पहले मिल चुके हैं क्या? शक्ल जानी पहचानी है पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा। लकड़ी की काटी पे घोड़। अरे कहाँ गिर गया तुम? पे क्या ढूंढ रही हो? मेरा लकी ब्रेसलेट। ब्रेसलेट का नाम लकी? बाहर में जा तू। एक काम करते हैं, तुम उस तरफ देखो और मैं इस तरफ देखो। अब वो नहीं मिलने वाला, पता नहीं कहाँ गिर गया होगा वो। मार क्यों रहे हो मुझे? मैं ब्रेसलेट दे रहा था ना। कोई ये देखो इधर है। ए छोड़ मुझे। ए डॉक्टर आनंद, तू अपने आप को समझ सक गया है? अगर मैं पतली हुई तो मुझसे शादी करने वाला था ना तू? उस धोखेबाज के लिए मैंने 25 किलो वजन कम किया है। 25 किलो वजन कम किया? याद आ गया, कहाँ देखा था ऐसे। मैं तुझे बदबू देती हूँ। तेरी बीवी मेरी तुम वही हो ना, वजन कम करने की एड में आती हो। मेरा यहाँ सीरियस मैटर चल रहा है, तू बीच में कुछ मत बोल। ए तेरी औकात क्या है? तूने अपनी शक्ल देखी आईने में? तेरी होने वाली बीवी तेरी जैसी बदसूरत है। सिमरन, वो सिमरन डस्टबिन जैसी दिखती है वो सिमरन। उस
उसे सिमरन क्यों बुला रही हो? उसे गधी कहो, बंदर या कहो, एक नंबर के उल्लू की पट्टी कहो, और मन में जितनी गाली आए सब दे दो। हॉस्पिटल में जाके चक्कर चलाती है, तेरे पति में एक कीड़े पड़े उसको सत्यानाश हो। आनंद को अच्छी लड़की मिल गई। अरे मजाक बंद कर, पीछे देख तेरी बीवी आ रही है। सुनिए, नित्या को देखा? उसका ब्रेकअप हुआ है और आज उसके बॉयफ्रेंड की शादी है, उसे अकेला छोड़ दो, चलो जाओ यहाँ से। मेरी क्या गलती है? मेरी प्यारी बिटिया कर करके सिर पर चढ़ा रखा है उसे, कोई और शादी नहीं करे उसे। कर लो मनमानी, मेरी तो किस्मत फूटी है, हर वक्त दिमाग खाती रहती है। पहले ही कहा था मैंने, तुम मेरी बहुत सुनती कहो। अरे तू उंगली किसे दिखा रही है, पत्नी है या दुश्मन? छे कोसना तो मुझे चाहिए तुम्हें, तुम्हारी वजह से पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कट गई। वहाँ क्या हो रहा है? तमाशा। बताओ क्या बोल रहे है? नमस्ते आंटी, मैं हूँ कमीना आदमी। शर्मा क्यों रहे हो? कमान आनंद, बताओ इन्हें। बताता हूँ, ये किसी और का पार्सल था, मैंने अपने एड्रेस पे डिलीवर करवा दिया। गर्लफ्रेंड छीनना मेरा टाइम पास है। मरीजों को अपनी गर्लफ्रेंड मुझसे छुपा के रखनी चाहिए है ना? जो आदमी रोज मेरे आगे पीछे दुम हिलाता था, उसने मुझे फुटबॉल की तरह लात मार दिया, मुझे धोखा दे दिया। ये बिल्कुल बेशरम है और मैं इससे ज्यादा बेशरम हूँ। सही बोला ना? क्या स्टाइल है, लोगों की जिंदगी बर्बाद करके कितने खुश हो। भगवान करे तुम्हारा सब क्या नशा। सुनो, इनकी शक्ल नहीं देख ली, छुपा दो। अरे देखो तो जरा इन दोनों को कैसे कर रहे हैं। नहीं, मुझे ड्राइव पर लेके चल। कौन सी गाड़ी में? वो वाली। आज मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए तो नाश्ते के लिए लाई। You'll feel better. यहाँ बैठ के खाने का मजा लीजिए। Enjoy the food, sir. आपको अबे यहाँ मैं अकेला सड़ रहा हूँ, जल्दी आना। आइए सर, इस तरफ आइए, प्लीज आइए, बैठिए। हाँ मम्मी। यहाँ बैठिए सर, आप ये ले, मैं खाना भिजवाता हूँ। हाँ मम्मी। हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ। देखो वहाँ पे ज्यादा मिठाई मत खाना, सेहत के लिए। हाय, I'm Nitya. गौतम। बैंगलोर से? हाँ। लगा ही था, मैं मुंबई से। तो तुम्हें याद है कलम ने क्या क्या किया? थोड़ा एम्बैरसिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। आइंदा डॉक्टरों पर भरोसा मत करना, इंजीनियर या कोई एक्टर चुनना। और हाँ तुम भी, तुम उस लड़की सिमरन को भूल जाओगे, किसी अच्छी लड़की को ढूंढ लेना। नित्या, आई हैव टू गो, ऑल द बेस्ट। तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। बाय बाय।
बोले तो शादी में जाने को तेरे को कौन बोला? तू किसी दूसरे इरादे से गया था ना? तुझे देखकर उसका सोया प्यार जागेगा और वो तेरे पास लौट के आ जाएगी, यही सोच कर गया था ना? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। नहीं था क्या? तो फिर उसकी सुहागरात की तैयारी करने गया था क्या? सदमे में मेरा दिमाग काम नहीं किया। दिमाग काम नहीं किया? दिल टूट गया क्या? एक लड़की ने धोखा दिया, दूसरी किसी ने पटा लिया। पहली मुलाकात में टल्ली हो गए और रोमांस कर रहे थे। अरे रोमांस थोड़ी कर रहे थे, अपना दुखड़ा सुना रहे थे। ए, ड्रामा बंद कर, आगे बोल, सुनाना। यार के झटके से उभर ही रहा था कि डॉक्टर ने दूसरा झटका दे दिया। साहब ने आपको बुलाया है। जी सर। डॉक्टर, मेरे रिपोर्ट्स। हाँ, तुम्हारे रिपोर्ट्स अभी आए हैं, पर वही हुआ जिसका डर था। आई एम सॉरी। नहीं सुनो, ऐसा नहीं करते, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। डोंट लूज होप। मेरे पास कितना वक्त बचा है? मैक्सिमम 3 से 4 साल। सेकंड ओपिनियन से कोई फायदा होगा? गौतम, इस बीमारी पर रिसर्च शुरू हो गई है, जल्द ही इलाज मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अरे बाबा, हेयर लॉस होना आजकल कॉमन बात है। अरे गंजे से कौन शादी करेगा? जानते हो तुम्हारे बाल क्यों गिर रहे हैं? टेंशन की वजह से। किस बात का टेंशन? बालों के झड़ने की। ओ। स्टूपिड, इतना मुंह लटका कर क्यों बैठा है बे? उसके बारे में सोचना बंद कर, समझा क्या? तुम लड़के भी ना बालों को लेकर इतना पॉजिटिव क्यों होते हो बे? तू तो अपना गटर बंदी रख, डीपी तेरे लड़के की और प्रोफाइल तेरा लड़की का है। ए, ज़्यादा मुंह मत चला। अबे छोड़ ना यार, बाल झड़ भी गए तो क्या हो गया, 2-3 बालों पे भी तू हीरो लगेगा। खूबसूरती पे ना इतराने वाली लड़की और घने बालों पे नाज ना करने वाला लड़का आज तक पैदा नहीं हुआ। मैंने अपने बालों पे नाज नहीं किया। अबे तेरे सर पे गिन के 200-400 ही बाल बचे होंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तेरा चमन हमेशा के लिए उजड़ने वाला है। अरे चमन को मैंने पैसे उधार दिए थे। मैं हल्का हो गया था। जेंट्स में लेडीज, फिर से उल्टी आई क्या? गौतम, सही पहचाना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मुझे पूछना चाहिए, जेंट्स बाथरूम? ओ अरे वो लेडीज टॉयलेट फुल था ना, इसलिए तो। ओ या या या। किसके साथ आई हो? मैं अपने बैंगलोर वाले फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आई हूँ। और तुम? That's my gang. तुम्हारा वो दोस्त उस पिंक टॉप वाली लड़की पे 3 महीने से ट्राई मार रहा है, पर उसकी दाल नहीं निकल रही है। तुम्हें कैसे पता? इसे टैलेंट कह सकते हो। मैं फेस रीड करती हूँ। मैं ही मिला क्या सुबह से? देख रही हो? ऐसा क्या? चलो अब देखो, वो जो लड़की कोने में बैठी है ना, उसका नाम पी से शुरू होता है। पी। पिंकी। बाल छोटे और बातें बड़ी बड़ी। ये तो तुक्का लग गया गलती से। वो बिल्कुल टॉम बॉय है, पहले गाली देती है फिर किसी से बात करती है। 1 साल पहले शायद इसका एक्सीडेंट हुआ था। तुम्हें सिर्फ उसका चेहरा देख के कैसे? ए गधे,
तू उधर क्या कर रहा है बे? इडियट नहीं तू, अभी तो मेरी क्लासमेट है बे, बहुत साल के बाद मिली रे तू। तू कब आई और कॉल क्यों नहीं किया? अरे कल ही तो आई हूँ, अपने अंकल के यहाँ रुकी हुई हूँ, पूरा हफ्ता यहाँ हूँ, साथ में मिलके शॉपिंग करेंगे। ओ शिट, मेरे को कल नानी के घर जाने का है। कोई तो फैमिली फंक्शन है, तू आई तो कॉल क्यों नहीं किया बे? स्टूपिड, तुमसे बड़ा स्टूपिड और कौन होगा, किसी के साथ सेट कर दो। एक लड़का है। कौन? तू है ना? मैं मुझे शॉपिंग पसंद नहीं है। ये दिखने में सिर्फ लुक है, तू इसके साथ जाएगी ना तो खाना पीना पेट्रोल गाड़ी सब फ्री। ओ दिक्कत लगता तो नहीं है, ऐसा सब कुछ करता होगा। काम क्या करते हो? गुस्से से तिल मिला मैडम की दोस्त सत्या सीधे ऑफिस की तरफ बढ़ी, तभी गार्ड ने उसे रोका। मैडम आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। सत्या गुस्से से पागल हो गई, वो गार्ड पर चीखने लगी। मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो? आप वहाँ रुक जाइए। लेकिन सत्या ने जख्मी नागिन की तरह अपना फन निकाला। जानते हो मैं कौन हूँ? कौन है? गौतम की फियांसे। उसका खून उबाल ले रहा था और वो गुस्से से कांप रही थी। अकेली लड़की कितना काम करेगी? कार्ड फाइनल करो, फिर उसे छपाओ, जाकर गेस्ट को भी देकर आओ। ये सब काम क्या मैं अकेले कर सकती हूँ? ऊपर से तुम मुझे बोल रहे हो कि अंदर नहीं जा सकती। आइंदा मना किया तो निकलवा दूंगी। चलो हटो यहाँ से। मैडम अंदर जाने के बाद सत्या ने क्या किया? अंदर उसने ऐसा क्या मंजर देखा? अंदर उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था? और इससे पहले कि आप जाने सत्या ने गुस्से में क्या किया था, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। डोंट गो अवे। कट कट कट। हर्षा, सत्या ने क्या देखा, सत्या ने क्या किया, हम देखेंगे ब्रेक के बाद। इतने ठंडे तरीके से बोलोगे तो लोगों में इंटरेस्ट नहीं आएगा, उन्हें डराओ। गौर से देखिए इस इंसान को, आखिर सत्या ने वहां पर ऐसा क्या देखा, जानिए ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। इस तरह आवाज नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, पूरा सस्पेंस। पब्लिक चैनल नहीं चेंज करेगी, ठीक है? फिर कर। कम ऑन, रेडी। ये कौन है? पता नहीं सर। ये हंस क्यों रही है? कोई पागल लगती है सर। हलाल होने वाली बकरी की तरह नित्या गौतम की कार में बैठ गई। और मजाक उड़ाने? खुश हो गई? बताओ कहाँ जाना तुम्हें? शॉपिंग मॉल, वो वाली और वो वाली भी। वो गौतम, चलो। तुम्हें कुछ खरीदना भी है या नहीं? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ सोच के भी आई हो क्या खरीदना है? मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। मुझे शेंडी मत लगाओ, अगर पता होता तो इस तरह हर दुकान में घुस के खाली हाथ बाहर थोड़ी निकलती। मुझे तो लग रहा है तुम्हें कुछ चाहिए नहीं। लेडी शॉपिंग को सहने की ट्रेनिंग दे रही हूँ तुम्हें। इट्स अ साइकोलॉजी। इसे वक्त की बर्बादी बोलते हैं। ऐसा तुम्हें लगता है लेकिन सच ये है, लड़की का जन्म होते ही उसे कौन से स्कूल में डालना है, क्या कपड़े पहनने चाहिए, कहाँ जॉब करनी चाहिए, किसके साथ शादी करनी चाहिए, कितने बच्चे करने चाहिए, उनके नाम क्या होने चाहिए, ये सब कुछ उसकी फैमिली वाले ही डिसाइड करते हैं। उसे कोई फ्रीडम नहीं मिलता, इसीलिए हम जैसी लड़कियों को कहीं फ्रीडम अगर मिलता भी है तो शॉपिंग में। यहाँ ना कोई रोक टोक है, ना ही कोई किचकिच। एनी क्वेश्चंस? ए नाइस ड्रेस। मेरी बात तो सुन राजा। राजा ये है। तो ये तेरा शूटिंग का काम चल रहा है? कॉस्ट्यूम्स लेने आए थे हम। कॉस्ट्यूम? ये लड़की कहीं देखी भी लग रही है। ये मेरे कजिन की रिश्तेदार की बेटी है। अरे सिमरन की शादी में जो लड़की टली हुई थी वही ना? और हाँ बहुत सारी उल्टियाँ भी की थी। अरे वो भी वही कह रहा है। तू तो कुछ और बोल रहा था। वो तुम्हें अचानक देखा तो डर गया, इसलिए हड़बड़ी में कुछ भी बोल दिया। चक्कर चल रहा है ना? नहीं नहीं, पब में मिले थे तब पिंकी ने इसे शॉपिंग ले जाने के लिए कहा था। शॉपिंग? अरे ऐसे कोई मारता है क्या? तो क्या तेरी आरती उधर है? जाने दे। कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज। हाँ मेरा भाई। अरे बस का छोड़ना। ये क्या चल रहा है? हाय मेरी पीठ, कहीं भी शुरू हो जाते यार तुम लोग। देख यार पैर पड़ता हूँ उसके सामने, बेइज्जती मत करना। तुम दोनों को ट्रीट दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। जाओ यहाँ से। अरे जाओ। प्लीज गो। गौतम कैसी लग रही हो? एक नंबर लग रही हो।
ले 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 ओ लो 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 तो बताओ आज सीखा ना तुमने काफी कुछ लड़कियों के बारे में। हाँ अब नेक्स्ट टाइम ना तुम्हारे लिए हाथ जोड़ता हूँ शॉपिंग में मत ले जाना। मेरे साथ ऊपर चलोगे कॉफी पीने? तुम्हारे कमरे में? पागल हो मामा का घर है ये। रहने दो। कल का क्या प्लान है? प्लीज शॉपिंग मत कहना नहीं तो बात नहीं करूंगा। ओके तो फिर कल कुछ और करेंगे। सरप्राइज। सरप्राइज? यहाँ पर क्यों है? सरप्राइज है। ये कमिश्नर तुम्हारा रिलेटिव है? ओ समझ गया तुम गुंडों के परिवार से हो। स्मार्ट लड़का कौन है? कमिश्नर का बेटा है क्या? नहीं यही कमिश्नर है। ओ, ये कमिश्नर है? विसर्जन करो। उसका सर मुश्किल से मेरी कमर तक आता है। कमिश्नर की स्पेलिंग भी आती है क्या उसको? गौतम जरा चिमटी मारना। चलिए ना। कमिश्नर साहब आपके जवाब देने के लिए रेडी हैं। कांग्रेस कमिश्नर सर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हाउ डू यू फील सर? ग्रेट सर। आप प्रेस से कुछ कहना चाहेंगे? वन मिनट। लगता है यहाँ पर सबका स्क्रू ढीला है। ये बच्चा कानून की रखवाली करेगा? हाँ। बहुत अच्छे। वैसे कमिश्नर बना कैसे? चॉकलेट खिलाकर? पता नहीं ये बेकार आइडिया किसके दिमाग में है। ऊपर वाले। मैं शहर में शांति और अमन कायम रखूंगा। ये मामूली बच्चा नहीं है गौतम। इसे ब्लड कैंसर है। इसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। मैं मेक अ विश फाउंडेशन की वॉलंटियर हूँ। पिछले महीने इस बच्चे ने मुझे अपनी विश बताई थी। उसके बाद मैंने डीजीपी सर से मीटिंग की और उन्होंने कहा मैं इसकी विश को अलाउ करता हूँ। आज इसका सपना पूरा हुआ है। कितना खुश है ना? जो चाहिए था वो उससे मिल गया। हो सकता है कि ये वाला बर्थडे इसका आखिरी बर्थडे हो। थैंक यू सर। क्या आप हमें इंटरव्यू देंगे? नो नो नो, बहुत क्वेश्चंस हो गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाश्ता तैयार है। प्लीज आ जाइए दिस वे। या इस बच्चे के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत लिखना प्लीज। आपको बस यही लिखना है कि अपने शहर के कमिश्नर बने एक दिन के लिए। वो अपनी बीमारी के बारे में नहीं जानता और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। हमने ये किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं किया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच। आज तुम कुछ अलग लगी। अलग मतलब क्या? अलग लगी मतलब तुम आज आम लड़कियों की तरह नहीं लगी। समझी नहीं क्या कहना चाहते हो? मतलब तुम पहले भी सुंदर थी पर ये रूप और भी ज्यादा खूबसूरत है। ए, गौतम! क्या गाड़ी चला रहे हैं यार? सॉरी बॉस मेरा ध्यान नहीं था। मैं मानता हूँ कैसी बैंगन बातें कर रहा है। मैं मानता हूँ मेरी गलती का अचार डालू यार। गाड़ी की हालत देख।
मैं नुकसान की भरपाई दे दूंगा। 250 करोड़ किसको दिखा रहा है? अरे छोटा से तो डेंट आया। क्या मियां छोटा सा डेंट है, मेरे करियर पर डेंट पड़ जाएगा, उसका क्या? अरे भाई बोल रहा हूँ, मेरी गलती है, मैं ठीक भी कर रहा हूँ। सॉरी वॉरी क्या, भाड़ में मालिक को मैं क्या बोलूंगा? गलती मेरी है, मैंने ही जो डिस्ट्रक्ट किया। आप बीच में मत पड़ो, आपका नुकसान मेरी वजह से हुआ है। आई एम रियली वेरी सॉरी। आप बोल रही है तो माफ कर दे रहा हूं। वैसे आपका नाम क्या है? याकूब नाम अच्छा, है। हाय आई एम नित्या। अच्छा, आप कहां के रहने वाले हो? बैरमला। अच्छा, मेरी मौसी वहां रहती है। आओ कभी खातिरदारी करेंगे आप? क्या बात है, आप यही रहती है? थोड़े दिन के लिए मामा के आई हूं मैं। अच्छा, तो बस। अरे इतना बड़ा नुकसान, टेंशन को आपका करा लूंगा। पप्पू होटल गराज में पहचान है। ठीक है, आई एम सो सॉरी। आप सॉरी ना बोलो, होते रहता है। थैंक यू, आप बहुत नेक इंसान। आपको सलाम बोलना। अबे दिखता नहीं है क्या? ला ला ला, क्या पटाखा आ रहे लिए? आहा, क्या फिगर है बाप? ऐसा फिगर अपुन ने आज तक नहीं देखा ला बाप। एक बार हाथ लग जाए बस। ए, खजूर हटना। बहुत मारूंगा। क्या बोला बे? भाई साहब टाइम क्या हुआ? लुखे तू अपना काम कर, ठीक है? ओके, लेकिन उस लड़की को मत छेड़ना। क्यों बे, क्यों ना छेड़ू मैं उसे? बेचारी बीमार है, पता नहीं कितने दिन जिंदा रहेगी। उम्र तो बढ़ रही है पर दिमाग छोटा रह गया। क्या रे, फिल्मी डायलॉग मार रहा है क्या? डॉक्टर्स ने भी कह दिया है ऊपर वाले पर भरोसा रखो। ए, चले ये नौटंकी बंद कर, समझा? हमको जिसको छेड़ना है हम उसको छेड़ेंगे, तेरे को क्या करना है? हाँ, तू अपना काम कर बे। इंसानियत खत्म हो चुकी है पूरी दुनिया से। माना ये लीगल हो चुका है पर पहले पूछने का ना, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। अंजलि बेबी बिन पानी की हमारी धुलाई करी है। अंजलि बेबी, अब ये कौन है? देखो, मारना मत, मारना मत, मारना मत। उनको तो आज सबक सिखा के रहूंगी। छोड़ो, नहीं चाहिए। ओके, सिर्फ एक स्पून में होती है 150 कैलोरीज, और अगर इस पूरी प्लेट का गिन ले तो 750 कैलोरीज। रोज ऐसे ही मीठा खाओगे तो जगह जगह फैट जमा हो जाएगा, फिर गौतम और वो जो फुटबॉल होती है ना उसमें कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा। बाय द वे, तुम्हें पता नहीं होगा पर स्वीट खाने से बाल झड़ते हैं। नीचे छुप क्यों रहे हो? क्या हुआ? फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स। वो ग्रीन ड्रेस वाली? अरे हाँ बाबा, तुम सीधी बैठो, सीधी बैठो। तुम हमेशा अपने दोस्तों को देखकर टेबल के नीचे छुपते हो। उन्होंने देख लिया ना तो भेजा फ्राई कर देंगे। भेजा फ्राई? तुम दोनों गौतम के दोस्त हो ना? क्या गौतम? एक सेकंड, मैं अभी आया। हाँ गौतम वहीं तो बैठा है। कहाँ है? मम्मी, दीदी की बहुत याद आ रही। मम्मी कितने दिनों से उनका चेहरा नहीं देखा। मम्मी, दीदी, दीदी 100 साल उम्र है आपकी, आपकी बात कर रहा था। मम्मी दीदी से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, मुझे यकीन नहीं होता, भाई की तड़पती याद ने बहन को सामने ले आया। मेरी प्यारी बहना, ऊपर वाला मुझ पे मेहरबान है। ये मेरी जान है, मेरी दीदी, मेरी बहना। अभी भी बच्चन साहब का दौर गया नहीं है, ओवर एक्टिंग मत कर। तुम मुझ पे शक कर रही हो? यकीन नहीं होता तो माँ से पूछ लो, तुम्हारी बात कर रहा था। वो कौन है? जीजा जी। जानते हो किससे बात कर रहे हैं? किससे? माँ से। ये नया नौकर कब रखा? जीजा हूँ साले जी। अरे जीजा जी, क्या लड़कों का नाम खराब कर रहे हो? एक नंबर के झूरू के गुलाम बन गए हो, शर्म नहीं आती क्या आपको? बोल दे बेटा, एक बार तेरी शादी होने दे, उसके बाद देखना तू भी यही सब करेगा। बद्दुआ दे रहे हो क्या? तू भी ना। सुनिए, प्याज काट के दूँ आपको? क्या बात है, प्यार से सारे काम निकलवा रही है। फ्री का नौकर जो मिला है। बातें बनाना बंद कीजिए और खाने पर ध्यान दीजिए।
दीदी क्या समझती हो, जीजू का साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं हूँ। जीजा जी गैस के बाटले को बंद करो, चलो बियर पीते हैं। अरे डर गए क्या, पति को अपनी मर्जी से जीने नहीं दे रही है, तुम्हारी तो लाइफ बर्बाद है। हेलो ये तो बताओ खाने में क्या है, भेजा फ्राई। तेरी बहन ने सब बता दिया। मम्मी आ हा हा हा, कितनी किस्मत वाली हो, ऐसा सेवा करने वाला जमाई और कहाँ मिलेगा तुम्हें, कहीं भी नहीं, पूरी दुनिया में नहीं। अपने जीजू को मस्का मार के कोई फायदा नहीं, तुम्हारी बहन ने तो सिर्फ भेजा फ्राई कहा था, पर असली स्टोरी तो तुम्हारे जीजू ने सुनाई है, सुनना चाहोगे क्या? पीठ में खंजर घोप दिया। पति किसका हूँ? सब कुछ बता दिया क्या? बताना पड़ा बेटा। लेकिन आपने सब कुछ क्यों बता दिया, मेरा बैंगलोर जाना, नित्या से मिलना, टल्ली होकर शादी में हंगामा करना, ये सब कुछ बता दिया? ये उन्हें पता चला कैसे? तूने अपने मुंह से जो बताया। आज बाहर खाने का मन कर रहा है मम्मी। ये सत्या कौन है? सत्या नहीं नित्या। हाँ वही नित्या कौन है? मैं नहीं जानता। हाँ नित्या बोलो। यार नेटवर्क नहीं आ रहा, एक मिनट। हाँ नित्यानंद, हाँ दाढ़ी बढ़ गई ना, जल्दी से शेव करवा लेना ठीक है? बिल्कुल आप पर गया है सासु माँ। क्या गलत टाइम पे फोन किया, बताओ क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? मुझे चाइनीज नहीं आती, हिंदी में बात करो। पूछ रही हूँ क्या कर रहे हो, फिर से टल्ली हो क्या? यार रात की उतरी नहीं अभी तक। इडियट, फेस पैक लगाया। सिक्स पैक? चलो अब जल्दी से चॉकलेट रूम पहुँच जाओ। अगर तुम इतने प्यार से कहोगी तो मना कैसे करूँगा, अभी पहुँचा। क्या देख रहे है बे? उस दिन वादा करके फिल्म देखने नहीं आया और कल पब में भी नहीं आया। अच्छा वो सब छोड़ दे, इस बेचारे के बर्थडे में भी नहीं आया। अगर अगली बार ये नहीं आया ना तो कुंवारा मरेगा। अरे इस पत्थर दिल से क्या बात करना, किसी और से बात करते हैं। कभी जरूरत पड़े तो इससे बोलना, नीतू किसी जरूरतमंद को भेज देना, वो मना थोड़ी करेगा। वैसे नीतू तुम्हारा फोन नंबर दो जरा। मेरे पास फोन नहीं है। सेल फोन नहीं है? सेल फोन नहीं है क्यों? एक बात बताऊं, पता है ये क्या है? सेल फोन। टाइम बॉम्ब। क्या? तुम लोग ना इस पर घंटों घंटों बात करते रहते हो और ये तुम्हारे ब्रेन का ना भेजा फ्राई कर देता है। सेल फोन का जो रेडिएशन है ना वो तुम्हारी नर्व्स में जाता है और तुम्हारी ब्लड वेसल्स को ना एकदम से नष्ट कर। तुम दोनों को सर दर्द होता होगा ना? हाँ, हाँ, होता, होता है, मुझे तो बहुत होता है। मतलब तुम दोनों का फर्स्ट स्टेज तो कंफर्म है। फर्स्ट स्टेज मतलब? और नेक्स्ट स्टेज? नेक्स्ट स्टेज इसीलिए मैं मोबाइल फोन यूज नहीं करती हूँ। अगर अर्जेंट कॉल करना हो तो क्या करें? किसी बेवकूफ से फोन ले लेना। कहाँ मिलेगा? मैं तो इस बेवकूफ का फोन यूज करती हूँ। सो गुड नाइट। बाय। अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए थैंक्स। वैसे प्लान तो तुम्हारा ही था। नित्या। हाँ मामा अभी आई, दो मिनट में। गुड इवनिंग अंकल। मैं रोज तुम्हें छोड़ने आता हूँ, इस बात से उन्हें प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मामा और नाराज? हु? बिल्कुल नहीं, मैंने तो बताया तुम गे हो। हाँ फिर ठीक है। क्या बोली? इमेजिन कर रहे हो ना? अरे लॉजिक समझो ना यार, अगर लड़कियों के साथ बाहर जाऊं तो मामा को सिक्योरिटी का डर, और अगर लड़के के साथ जाऊं तो कुछ और ही सोचते हैं। तो मैंने उनसे कह दिया कि तुम गे हो, अब लेट आने की कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड आइडिया ना? सॉरी ना बाबा। संभल कर जाना। बैग, बैग। ओ। मम्मी। आपकी और डैड की लव मैरिज थी? चल पागल।
शर्माई मतलब पक्का थी। मम्मी प्लीज प्लीज बताओ ना, प्लीज मम्मी बताओ ना प्लीज, ऐसा क्या कर रही हो? बताओ बताओ ना प्लीज। आज इतना मस्का क्यों मार रहा है मुझे? तंग मत करो प्लीज माँ, बताओ ना। हमारी शादी तो अरेंज थी। ओ, उससे पहले कहीं किसी के साथ चक्कर तो होगा? नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए। अब क्या बताऊं, तुम्हारे डैड मुझे देखने के लिए घर आए थे। एक मिनट, मतलब डैड घर आए, आपने उन्हें शरबत पिलाया और फिर ड्रीम सॉन्ग चालू हो गया, बहारो फूल बरसाओ। ऐसा फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। मैंने पहली बार साड़ी पहनी थी और सारे गेस्ट को चाय सर्व की थी। डैड पे गिरा है तो नहीं? चल पागल, सुरेश अंकल और तेरे डैड आए थे। डैड सुरेश अंकल को साथ लेके गए थे? नहीं, सुरेश अंकल डैड को लेकर आए थे। वो क्यों? क्योंकि सुरेश अंकल मुझे देखने आए थे। कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आ गया, मजा आ रहा है। बताइए बताइए। नाना नानी ने तो मेरी शादी सुरेश से फिक्स की थी। मतलब क्लाइमेक्स से पहले सॉलिड टेंशन, फिर आगे? और सुरेश अपना हर डिसीजन तुम्हारे डैड से पूछ कर लिया करते थे। फिर क्या हुआ? तुम्हारे डैड ने कहा कि लड़की थोड़ी नकचड़ी लगती है, तो हाँ करने से पहले सोच समझ लेना। आप नकचड़ी? हाँ, अरे असली ट्विस्ट तो इसके बाद है। सुरेश ने मुझे ना कह दिया और तुम्हारे डैड ने मेरा हाथ मांग लिया और हमारी शादी भी हो गई। चालाक सुब्रमण्यम, यू आर अ रॉक स्टार डैड। लेकिन मम्मी, आपको ये कैसे पता चला कि यही लड़का आपके लिए परफेक्ट है? क्या बताऊं, आसमान में बिजलियां कड़कने लगी, मुझे अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ और उनके लिए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सच में? पगले, ये फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम जानते हो बेटा, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें कब मिलेगा? बताइए ना कब। जब तुम्हारे दिल से आवाज आएगी। नित्या, जब मैंने पहली बार तुम्हें उल्टी करते देखा, प्रपोज करते वक्त ऐसी गंदी बातें नहीं करते, कुछ और सोच। नित्या, हमें किस्मत ने मिलाया है। नित्या। गौतम, मैं जा रही हूँ। ऐसे अचानक? जल्दी रेलवे स्टेशन पर आओ। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। नित्या, नित्या, हाय। एकदम से जा क्यों रही हो? पापा ने अर्जेंटली बुलाया है, जाना पड़ेगा। आज जाना जरूरी है क्या? देखो, मुझे भी कुछ दिन और रहना था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। तो तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना? क्या बात है गौतम? वो तुम्हें याद है हम पहली बार कैसे मिले थे, और फिर दूसरी बार हम पब में मिले थे, दूसरी बार हो गया ना, फिर तीसरी बार हम वहां कहां मिले थे? तीसरी बार मैं तुम्हें शायद मैं लू में मिली थी, हाँ वहीं पर। और फोर्थ टाइम कहीं पर तो मिले थे, फिफ्थ टाइम पागल
गौतम, ये गौतम है ना? डूड, फाइनली मैन, आई लव यू बॉस, ऑसम टू सी यू यंग मैन। तुम सोच रहे होगे मैंने कैसे पहचाना? हम दोनों फोन पे जब आधा घंटा बात करते हैं, ये एक ही नाम जपती है, गौतम गौतम गौतम। पहले तो मुझे बहुत जलन होती थी, पर धीरे धीरे मैं समझ गया कि तुम नित्या का कितना ख्याल रखते हो और मैं तुम्हारा फैन हो गया। That's why I love you, boss. कुछ भी हाँ? अरे मैंने कुछ गलत कहा? जब पहली बार तुम्हारी फोटो देखी थी तभी सोच लिया था शादी तो इसी से करूंगा और झट से एंगेजमेंट प्लान कर ली। शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। सही गाना बॉस? हे आई जस्ट चेक विद द टीटी एंड काम। यहाँ पे तुम्हारे साथ बहुत 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 मजा आया मुझे। थैंक यू सो मच माई फ्रेंड। नेक्स्ट टाइम तुम्हें मेरे वहां आना है, ओके? बाय। बाय गौतम। ए, तुम कुछ बताने वाले थे ना? अच्छा वहां जाकर कॉल करूंगी, ओके? चलो चलो बाय, ठीक है? बाय, टच में रहेंगे। बाय। बोले तो ये तेरी ही नहीं लाखों आशिकों की यही कहानी है। जब तुम कोई कार खरीदते हो तो उस कार का एवरेज चेक करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन किसी के इश्क में गिरते वक्त ये क्यों नहीं चेक करते कि पहले से उसका कोई प्रेमी है? किसी ने सही कहा है कि प्यार अंधा होता है। जो चीज हाथ लगनी थी वो लग चुकी है। गाड़ी की चाबी दे। मैंने सिर्फ दो बुलेट्स लूट की थी, अब गन खाली है। जेब में माल ना हो तो लड़की पटती नहीं, बंदूक में गोली ना हो तो फिर चलती नहीं, तो फिर फेल हो गया। गन मुझे दे दे। अब बोल आगे क्या हुआ। अरे गौतम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जाओ ना माँ। मैंने कहा खड़े हो, तुमने सुना नहीं गौतम? बदतमीज, तू बहरा हो गया है क्या? अरे माँ, एक बार मैं सुनाई नहीं देता तुझे? जो कह रहे थे सुनिए ना। समझ नहीं आता? हाँ मुझे लगा है? ये क्या कर रही हो? अरे अरे बहुत जोर की लग रही है। छोड़ नहीं तुझे, बदमाश, बदतमीज कहीं का, चल। हो गया, लो पानी पी लो। तुम्हारे डैड को गुजरे पूरे 10 साल हो गए। जानते हो अगर मैं भविष्य की चिंता करती तो आज हम इतने खुश नहीं होते। अपनों को खोने का गम सहना बहुत मुश्किल होता है बेटा। कुछ लोग तो अपनों का गम कभी भूल ही नहीं पाते, हमेशा दुखी रहते हैं। और कुछ लोग गुजरी हुई यादों के सहारे जिंदगी काटते हैं, जैसे मैं काट रही हूं। तुम मेरे बेटे हो, बहुत समझदार हो, तुम अपने फैसले खुद ले सकते हो। मम्मी, फिल्म देखने चलें? एक मिनट। थैंक यू सो मच। बेटी ये लोग मेरे बचपन के दोस्त हैं। शादी की तारीख क्या है? तारीख अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। ओ संध्या, जल्दी से फिक्स करवा दो, आजकल के बच्चे अपना माइंड कब चेंज कर दे पता ही नहीं चलता। अबे शादी करेगा तो मेरी तरह पछताएगा।
अच्छा सुन, मैं बाद में कॉल करता हूँ। एक्सक्यूज मी, कष्ट करोगे ऊपर आने का? अब क्या हो गया? मैं अब और नहीं सह सकती। लोगों के सवालों के जवाब दे दे के मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ। फोन पर बीवी की बुराइयाँ करना बहुत आसान है। दीपक कहाँ है, एंगेजमेंट कब है, मैं ये सब I can't answer those questions। उसे शादी करने से रोका है क्या? नित्या को दीपक से ब्रेकअप करने के लिए मैंने कहा था, वो सब अपनी मर्जी से कर रही है। हाँ हाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है। हर बात का तुम दोष मुझ पे ही डालोगे। सारी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की ही होती है, बाप का तो कुछ नहीं होता है ना? डैडी का बस चले तो वो हमारी एंगेजमेंट को टीवी पे टेलीकास्ट कर दे। अच्छा, हम गौतम से बात कर सकते हैं, वो एक फेमस टीवी प्रोग्राम का डायरेक्टर है। पता नहीं वो पागल इस वक्त क्या कर रहा होगा। अपना फोन देना। गौतम की इतनी याद आ रही है? कोई रिप्लाई नहीं। पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया है। मैंने इतने फोन किए, ना फोन उठा रहा है, ना मैसेज कर रहा है, कुछ भी नहीं। सो इरिटेटिंग। उसकी वजह से इरिटेट होने की क्या जरूरत है? वो मेरा दोस्त है। क्या हुआ अचानक ऐसे हंसने का मतलब? कुछ नहीं, छोड़ो, जाने दो। बट आई वॉन्ट टू नो। नित्या, हमारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी और को पसंद नहीं कर सकती हो। क्या, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम जब से रिटर्न आई हो, तुमने गौतम को कम से कम 30 कॉल्स और 20 मैसेजेस किए हैं। हाँ तो? नो, आई एम नॉट डाउटिंग यू। तो फिर मेरे कॉल्स या मैसेजेस का काउंट क्यों रख रहे हो तुम? लुक, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, कभी प्यार दोस्ती में बदल जाता है और कभी दोस्ती प्यार में, और ये अनजाने में हो जाता है, इवन विदाउट अस एक्चुअली रियलाइजिंग इट। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गौतम से प्यार करती हूँ? अभी तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। हम दोनों की शादी होने वाली है और तुम्हें ये शक है कि मैं उससे प्यार करती हूँ? देखो, मुझे गलत मत समझो, मैं एक मिनट। तुम शादी के पहले ही मेरे कैरेक्टर को जज कर रहे हो। अगर शादी के बाद वो मेरा दोस्त बना होता तो? Come on, नित्या। अगर भरोसा ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता इस रिश्ते का कोई मतलब है। दीपक, पेन नंबर मिल गया। 9885020010। तुझे कैसे पता? अबे पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड का नंबर सबको पता होता है। हंसना कितना आसान है ना, हिम्मत है तो लड़की का नंबर लाके दिखाना। ले, गौतम को चैलेंज कर रहा है तू? हाँ, चैलेंज कर रहा हूँ। एक लड़की का नंबर लाके दिखा, तुझे मेरी कार दे दूंगा। लगी शर्त? हाँ। पूरे पब में से जिस लड़की से बोलेगा उससे नंबर लेकर आऊंगा मैं। तुझे पूरा यकीन है? 100% गारंटीड। पक्का? बैठ लगी? हाँ, लग गई। एक मिनट दे, एक लड़की ढूंढना यार। वो नहीं, वो वाली। मम्मी। हाय, आई एम काव्या। हाय, मेरा नाम राजा है, जो भी मुझसे मिलता है कहता है आजा आजा। हाँ, सौम्या, नाइस टू मीट यू। हाय, ये भरत है, तुम्हारा सबसे बड़ा फैन। हाय। हाय। तुम्हें मेरा नंबर चाहिए था ना? हाँ। गाइस, पेपर 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 पेपर, एक मिनट। अबे तू रुकना यार, ये लो पेपर 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 पेपर। बाय गाइस। बाय गौतम, ऑसम। जरा पीछे हटना, मेरे से शर्त लगा। अबे कार तो तेरी है ना? लेकिन वो डैड की है। डैडी गुस्सा हो जाएंगे। चल निकाल, चाबी निकाल। खुद निकाल ले। कपड़े नहीं मांग रहा हूँ, चाबी निकाल। नहीं है। इस पॉकेट में। रोकड़ा कौन देगा? ये ले। लौट गया ना? आइंदा मुझसे शर्त मत लगाना तू। हे, हम जीत गए। 10 मिनट रुक नहीं सकती थी क्या जानू? जानू?
मैं से आज नहीं मिला हूँ, 3 महीने पहले मिल चुका हूँ। जानू I love you. ये तो चीटिंग है यार। क्लेवर गौतम, तू माजा? तुम्हें मेरा सर खाए बिना चैन नहीं आता। बेटी की शादी की बात करना सिर खाना नहीं होता। बंद करो ये बकवास। बकवास नहीं कर रही हूं। शादी करके गलती की? गलती आपसे नहीं, मुझसे हुई है। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है। पापा, आनंद ने सिमरन से शादी कर ली, क्या इसमें मेरी गलती है? और वो दीपक, उसे तो शक था कि मेरा किसी के साथ अफेयर है। मैं सच में पक गई हूँ ये सबसे। क्या ये भी मेरी गलती है? मुझे बताओ क्या बात है बेटा। पापा, आपकी और मम्मी की लव मैरिज है, लेकिन फिर भी आप लोग झगड़ते रहते हैं बेवजह। अगर डिवोर्स ले लिया तो आपको नहीं लगता आप खुश रहेंगे? तुमने कितनी आसानी से ये कह दिया। प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, इस जनरेशन की है। छोटी सी प्रॉब्लम आई तो या तो भाग जाओगे या फिर रिश्ता ही तोड़ दोगे, इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। आसान भाषा में समझाऊं तो मोबाइल काम नहीं कर रहा तो तुरंत दूसरा खरीद लेते हो, लैपटॉप के साथ भी यही करते हो। तुम लोग कभी भी उन्हें रिपेयर करने के बारे में सोचते भी नहीं। यही सेम लॉजिक तुम लोग रिलेशनशिप में भी अप्लाई करते हो। एक बार दिल से जिसका हाथ थाम लिया जाए ना बेटा, फिर उसका साथ पूरी जिंदगी भर नहीं छोड़ते। तुम भी नहीं छोड़ पाओगी, और यह सच है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम ये बातें याद करोगी। हौसला रखो बेटा। आपने खाना ठीक से नहीं खाया, ये छाछ पी लीजिए। आपसे बात कर रही हूँ, ये छाछ पीजिए। देखा बेटा, अभी अभी मैंने क्या कहा था। देखो देखो, कह देती हूँ, आप बेटी मिलकर मेरा मजाक मत उड़ाना। वेटनरी हॉस्पिटल क्यों लाया? गोबर निकालने। क्या? सामने देख। जो दवाई लेकर दूं दे देना इसे। आप बात समझ गए ना मेरी? ओके। तेरी ये जानू डॉक्टर निकली, वेटरनरी डॉक्टर, मतलब तुम दोनों। दिखाने तो इसे लाया था पर इलाज मेरा हो गया। छी, हाथ मत लगा मुझे। आ गई। हाय गाइस। हाय। हे, चॉकलेट बेबी। भरत, मैंने तुम्हारे पैसों से नया फोन खरीद लिया। एंजॉय। चॉकलेट, इन्फेक्शन ठीक हो गया ना? और 1 हफ्ता मेडिसिन कंटिन्यू रखना, ओके? अच्छा गौतम, फ्राइडे को घर आओगे ना? पहुंच जाना। पहुंच जाऊंगा। पक्का ना? पक्का। मैडम, आपका फोन आया है। अच्छा, कॉफी लोगे या चाय? इसे बोल देना। नहीं चाहिए, थैंक्स। ओके, जरा पकड़ना इसे। तू कॉफी के भी लायक नहीं है। तो अपन कहाँ पहुंचे? हाँ, गौतम, नित्या और वो लड़की। आगे बोल। काव्या के बारे में नहीं पता, इसलिए मेरे फ्रेंड्स बहुत नाराज थे। कुछ ही दिनों में करनौल में रेड क्रॉस सोसाइटी वालों ने एक रिलीफ कैंप लगाया था, उसे कवर करने के लिए मेरे चैनल की तरफ से मैं गया था। ये, हाँ हाँ, रुको, दे रही हूँ। What a surprise!
इतनी जल्दी मुझे भूल गई। शॉपिंग करके 500 बैग्स का बोझ उठाने के बाद ये दोस्ती निभा रही हो तुम? देखो तुम मेरे दोस्त नहीं हो। इतने फोन किए मैंने, इतने मैसेजेस किए, लेकिन एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया। नहीं नहीं, तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते। अरे नित्या सॉरी, माफी तो मांग रहा हूं ना। अच्छा मनाने के लिए क्या करूं बताओ? चैन से सोना है तो जाग जाओ, लेकिन पहले अलार्म लगाओ। एक तिल मिलाती हुई लड़की गुब्बारे से भी ज्यादा मुंह फुला के खड़ी थी। उसका दिल दुखाने वाला अपराधी उसके पीछे ही खड़ा था और उसने पता है क्या किया? उसकी तरफ बढ़ा और गुदगुदी करने लगा। लड़की हंसी तो फंसे। दीपक कैसा? कम से कम अपनी शादी पे तो बुलाओगी ना? ये मत बोलना तुमने शादी कर ली। दीपक और मेरा ब्रेकअप हो गया। ओह, आई एम सॉरी। पर कैसे? लंबी कहानी है, हमारी आपस में नहीं बन पाई। एनीवे, नो रिग्रेट्स। दिल छोटा मत करो नित्या, ये सब किस्मत का खेल है। उसका नसीब अच्छा था कि वो बच गया, बलि का बकरा नहीं बना। पागल! अरे लग रही है। पागल कहीं का। Oh my God! आज कितने दिनों बाद मैं ऐसे खुलकर हंस रही हूँ, पता है? तो हंसती रहो, तुम्हें रोका किसने? वैसे भी हंसते हुए क्यूट लगती हो तुम। चलो चलो रहने दो, बस करो। तुम पर ये चीजी लाइंस ना सूट नहीं करती। अरे गौतम, गप्पे मारते मारते मैं तो भूल ही गई, टाइम क्या हुआ है? 11:30। अब तो शहर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी। तुम रहोगी कहाँ पे? वो तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने सोच लिया। चुपके जाओ, आ जाओ। ब्लैंकेट है, पिलो है, सब कुछ है। आवाज मत करना वरना सब लोग जाग जाएंगे। बाय। ओके, गुड नाइट। हाय हाय, तुम्हारा नाम क्या है? अरे ये क्या है? गुड मॉर्निंग, मैं बाहर जा रहा हूँ, एक घंटे में आ जाऊंगा। रूम में ही रहना, माँ ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसका नाम है चॉकलेट। चॉकलेट? हाय चॉकलेट, हाय बेबी। अरे ये ले, ये लो, लो, लो। गौतम कहाँ रह गया ये? मुझे बाथरूम जाना है। ये चॉकलेट मुझे लेके चलो ना प्लीज। गुड मॉर्निंग, बाथरूम जाना है? स्ट्रेट एंड लेफ्ट। हाँ बोलो बेटा। वो उठी या नहीं? कब उठी पता नहीं, पर अभी बाथरूम में है बेचारी। बेचारी और वो, तुम उसे जानती नहीं हो, हम दोनों को कब ऑनलाइन भेज देगी पता भी नहीं चलेगा। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, बहुत इनोसेंट है वो। यही तो उसकी चाल है, उसके जाल में फंस गई तो गेम हुआ। वो मैं कल रात को आपको बिना बताए यहाँ आ गई, लेकिन गौतम की कोई गलती नहीं है आंटी, वो रात को इतना लेट हो गया था कि... गौतम ने मुझे कल रात ही तुम्हारे बारे में बता दिया था।
रात को ही बता दिया था। कितना चालू है। सॉरी आंटी, पर पता है झूठ बोला उसने मुझसे। कभी कभी, और ये ना, ये भी कुछ कम नहीं है। आंटी ये आप हो? गौतम बिल्कुल आप पर ही गया है। शकल तो उसकी मेरे जैसी है, लेकिन सारे गुण अपने डैड पे गए हैं, बस यही तो प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों आंटी? क्या क्या उसने अच्छा नहीं है? हाँ हाँ, तुम बताओ मुझे। मुझे तो गौतम बहुत अच्छा लगता है। एकदम सच्चा दोस्त है मेरा। कूल होने का दिखावा तो करता है, लेकिन अंदर से सेंसिटिव है। बोलो बोलो, बोलती रहो। गौतम के साथ ना वक्त का पता ही नहीं चलता, मुझे उसके साथ मजा आता है। मैंने सुना है तुम दोनों पहली बार बेंगलोर में मिले थे और तुमने बहुत मस्ती की थी। ओ नो, उसने बता दिया। That's so embarrassing. पागल है एक नंबर का, वो मेरी सारी सीक्रेट्स भी जानता है। आप मुझे गौतम की सीक्रेट्स बताइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। गौतम के सीक्रेट्स ना? हाँ। ओके। Oh my God. वैसे आंटी, आपने उसे हैंडल कैसे किया? बचपन से ही शरारती रहा है वो, चुप बैठा है, समझो प्रॉब्लम है। चलो नाश्ता तैयार है, कुछ खा लो। हाँ, पर पहले मैं नहा लेती हूँ आंटी। जेंट्स टॉयलेट के लिए आगे से लेफ्ट ले लेना। गौतम ने मुझे सब बता दिया। आंटी, गौतम के आने के बाद ना 2 मिनट आंखें बंद कर लेना। मुझे उसकी पिटाई करनी है। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। Like it, Gautam. तुम्हारा घर, तुम्हारी मॉम, चॉकलेट, मुझे सब बहुत अच्छे लगे। ये काव्या है, गौतम की गर्लफ्रेंड। वो जल्दी ही उसका हाथ मांगने जाने वाला है। नित्या। ओके, मैं उससे बात करूंगी। चली गई वो। चली गई? ऐसे कैसे चली गई? उसने कहा कुछ अर्जेंट काम है, बेंगलोर चली गई। तुझे कॉल नहीं किया? किस तरह की पागल लड़की है वो, उसे जाना ही था तो यहाँ पर आई क्यों? अरे बेंगलोर कोई पागल मैच, चली गई।
सुनो, हैदराबाद से तुम्हारे फ्रेंड्स आए, उनके लिए तुमने गेस्ट हाउस बुक किया है? सारे इंतजाम ठीक है? ठीक है मामा। अगर कोई जरूरत हो तो बिंदास बोलो। ठीक है, तुम सही थे। पर किस बारे में? मेरे बारे में। मैं पागल हूँ, सही हुआ मेरे साथ। पर हुआ क्या है नित्या? गौतम और मेरे रिलेशन के बारे में तुमने मुझे सोचने के लिए कहा था ना? हाँ, मुझे उस वक्त ऐसा लगा था। तब भी और आज भी तुम सही थे। दीपक, I'm in love with गौतम यार। I know it। Congrats नित्या। इसमें रोने की क्या बात है? तुमने गौतम को बताया? क्यों नहीं बताया? वो काव्या से शादी कर रहा है। यार ये काव्या कौन है? गौतम की होने वाली वाइफ। ये सब तुम्हारी गलती है। जब श्योर थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं जाके उसे बोल देती ना। अब बहुत देर हो गई। और वो गौतम कितना बड़ा पागल है। शादी करनी है उसे, मेरे लिए वेट नहीं कर सकता था क्या? पागल। और हाँ, I'm really sorry तुम्हारा फंक्शन खराब करने के लिए। अब मैं जाऊँ ना। थैंक्स। गौतम, तुम घर से निकल गए ना? हाँ, बस निकल ही रहा हूँ। पर अब तक निकले क्यों नहीं? अरे शर्ट पहन रहा हूँ, नंगा थोड़ी निकलूंगा। गौतम, मैंने बहुत मुश्किल से डैड को मनाया है, कोई गड़बड़ मत करना। अरे आज तुम्हारे बाप को पूरा बाटली में उतार लूंगा, तुम टेंशन मत लो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। गौतम के साथ ना वक्त का पता ही नहीं चलता, मुझे उसके साथ मजा आता है। पागल है एक नंबर का, वो मेरी सारी सीक्रेट्स भी जानता है। आप मुझे गौतम की सीक्रेट्स बताइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। बाय मॉम। गौतम। तुम यही चाहते हो ना? क्या मतलब मॉम? मैं समझा। हेलो, हाँ आ रहा हूँ। हाँ, अरे ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। बस बस टोल पे पहुंच गया हूँ, टोल देके निकल रहा हूँ। हाँ पहुंच जाऊंगा। हाय, क्या बात है, आज तो सफेदी की चमकार लग रही हो। इतनी देर क्यों लगाई, घर ढूंढने में प्रॉब्लम हुई? अरे बिल्कुल भी नहीं, पूरा मोहल्ला तुम्हारा एड्रेस जानता है। इडियट, स्टूपिड। मैं वही कह रहा था उन लोगों से, लेकिन मेरी डैड गौतम। हेलो बेटा। हेलो काव्या, तुम्हारी तारीफ करती है। हैप्पी पोंगल। थैंक्स। मैंने कहा था ना काव्या का दोस्त है, ये मेरा भाई सुंदरम। हाय। ये मेरे अंकल हैं। अच्छा। तुम कोई टीवी चैनल में काम कर रहे हो है ना? मॉम यहाँ ही ना। मॉम गौतम। नमस्ते आंटी। कॉफी लोगे? चलेगा। कॉफी लेकर आना। काव्या आ, मैं अभी आती। ठीक है। फैमिली वालों से मिलो। कम ऑन। ये दादाजी है, मेरे पिता। ओ नमस्ते। ये काव्या का दोस्त है। हाँ। काव्या का दोस्त है। क्या कहा? थोड़ा ऊंचा सुनते, कम ऑन। हाँ मीट मिस्टर रामचंद्र, ये भी टीवी इंडस्ट्री की है, सेम फील्ड। हे गणेश। हाँ। ओह। विश यू अ हैप्पी पोंगल। थैंक यू थैंक यू। मैंने तुमसे कहा था ना काव्या के दोस्त के बारे में, ये वही है। ये शिव नारायण है, मेरे बचपन का दोस्त। तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना सा है। आपका भी चेहरा को जाना पहचाना लग रहा है। कहीं आप नित्या के अंकल तो नहीं? हाँ हाँ अंकल, मैं नित्या का दोस्त हूँ। नित्या का दोस्त? कितनी बार नित्या को ड्रॉप करने आता था ना। नित्या का दोस्त गौतम। हाँ गौतम। तू ही रात को नित्या को ड्रॉप करता था ना, ड्रॉप वाला गौतम। हाँ वही गौतम। गे आगे। ये अरे झूठ, उसने बोला था, उसकी सजा मुझे क्यों दे रही हो? I don't know Gautam, this is really embarrassing। मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे पेरेंट्स की इज्जत दांव पर है, मैं सारे रिलेटिव्स को तुम्हारे बारे में क्या बताऊं? और मेरा क्या? तुम में और मुझ में बस यही फर्क है, तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो और मैं हमारे बारे में। I'm sorry काव्या, हमारा साथ यहीं तक था।
ये सच है क्या? क्या ये वाली बात? ऐसे क्या देख रहा है? अपन वैसा नहीं है भाई। मैं भी वैसा नहीं हूँ समझे। वो तो नित्या का झूठ और उसका अंकल दोनों मुझ पे भारी पड़ गए। नजदीक नहीं आने का, सोशल डिस्टेंसिंग, 4 फीट की दूरी। गाड़ी साइड में लगाओ। काय को? मुझे आई है। हाथ तो खोलो। वैसे ही कार। तो ठीक है फिर, गाड़ी में कर लेता हूँ, वैसे भी लंबा सफर है। ए, पागल है क्या? हाँ? याद रखना, ये गन लोडेड है। जल्दी हल्का हो। वैसे अब तिरुपति का शॉर्टकट इधर से ही ना? थोड़ा आगे जाओगे ना, राइट में तुम्हें कच्चा रास्ता दिखेगा। अच्छा। उस रोड से जाओगे तो 50 किलोमीटर कम हो जाएंगे। लव अफेयर? शादी करने जा रहे हो? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो, आई लाइक इट। तुम रस्सी बांधना भूल गए। उसकी जरूरत नहीं। अचानक मुझ पे इतना भरोसा? तेरे पर नहीं, गन पर है। तो अब काव्या का चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट। वो वहां रहेगा, कैमरा यहां से आके इस तरफ जाएगा। ओके सर, मैं वो देख लूंगा। हेलो, आई एम सॉरी मिस्टर गौतम, आपकी मॉम को अचानक ब्रेन हैमरेज हो गया। हमने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन शी इज नो मोर। हम कुछ नहीं कर पाए। I'm really sorry. मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता डॉक्टर। कब से तुम्हें कह रही हूँ, जल्दी से स्नान कर लो गौतम। मिस्टर गौतम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। गौतम दूध तो पी लो। It was very sudden. मैं अपनी माँ को घर लेकर जा रहा हूँ डॉक्टर। चलो फिल्म देखने चलते हैं। तुम रोज कहते हो ना फिल्म देखने चले माँ। वो ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। कट्टी। पता है इस लाइन का मतलब क्या है? मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी। सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है, बाकी सब तो सिर्फ एडजस्टमेंट है। तुम यही चाहते हो ना बेटा? लो बेटा, मुझे जाना होगा। मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? मैं जा रही हूँ मम्मी। तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी ना? मैं जा रही हूँ। पापा, आपको फोन करके बता दूंगी। नित्या, नित्या! मैं कल ही मुंबई लैंड हुई हूँ। आंटी के बारे में पता चला। तुम कैसी हो? आई एम फाइन। और तुम? तो अब मैं चलूं? गौतम, दरअसल बात यह है कि
मैं तुमसे कब से बात करना चाहती थी। शादी के बाद मैं चेन्नई में ही सेटल हो गई थी। कितनी बार सोचा कि तुम्हें कॉल करूं, लेकिन पता नहीं क्यों कर नहीं पाई। पुरानी बातें छोड़ो। मॉम डैड को तुम पहले से ही पसंद नहीं थे और उस दिन उन्हें तुम्हें रिजेक्ट करने का कारण मिल गया। तुम खुश हो ना? मेरी बात सुनो गौतम। तुम खुश हो या नहीं? बस यही सुनना था। थैंक्स गौतम, हम सबसे पहले दोस्त हैं। हमारी ये दोस्ती जिंदगी भर रहनी चाहिए, हमेशा रहेगी। कॉफी? तुम कॉफी बनाओगे? बिल्कुल नहीं, अच्छी कॉफी मैं बनाती हूँ, तो तुम रहने दो। अच्छा ठीक है, किचन वहाँ पर है और कॉफी वहीं। ओके ओके, तुम जाके फ्रेश हो, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट कॉफी बनाती हूँ। आप कौन? सॉरी, रॉन्ग एड्रेस। इट्स ओके। चाहते हैं वैसा ही होगा। अच्छा। लीजिए, नित्या भी आ गई। नित्या सुनिए, लड़की तो हमारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। रवि अंकल, अनु आंटी, बैठो। बेटा ये रही हमारे लड़के की फोटो, तुमने हाँ कही तो रिश्ता पक्का। तुम्हारे मॉम डैड ने लड़के को पसंद कर लिया है, एक बार तुम भी देख लो। उसकी जरूरत नहीं है, अगर मम्मी पापा को पसंद है तो मुझे एतराज नहीं। ये मेरे बारे में गलत फैसला कैसे ले सकते हैं? अच्छा मैं आती हूँ। देखा तुमने, इस जमाने में भी कितने अच्छे संस्कार हैं इसके। एक बात बताऊं, हमारी शादी होने से पहले मैंने तो इसका फोटो तक नहीं देखा। क्योंकि तुमने मुझसे नहीं, मेरी दौलत से शादी की थी। नित्या बेटी, आज बहुत खुश लग रही हो। बताओ ना, बात क्या है? तुम गौतम से मिली, क्या बात हुई उससे? एक्चुअली गौतम की शादी हो गई। चॉकलेट? ए चॉकलेट, अरे क्या अनाप शनाप खाते रहता है, बीमार पड़ जाएगा, क्या खा रहा देगा? ये ब्रेसलेट यहाँ पर कैसे आया? हेलो पिंकी, नित्या आई थी क्या? मैं तुम दोनों को इतना जबरदस्त पीटूंगा ना। अरे दो दिन पहले वो तेरे घर आई थी ना, मुझे फ्लाइट के लिए देर हो रही थी ना, इसलिए मैंने उसको कीज दी और चली गई। अब वो कहाँ है? और कहाँ होगी, वापस घर गई होगी बे। वापस घर चली? कौन आया था? सॉरी रॉन्ग एड्रेस बोल के चली गई। तुम इसको कहो। अरे भाई लोग देखो, गाड़ी आ रही है। रुक, अरे रुक रुक रुक, ये थोड़ी बनने वाला है यार। ए रुक गई, रुक गई, रुक गई, ये देख पीछे आ रुक गया। ए भाई 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 भाई, सुनो ना भाई, वो क्या है ना, आप उनकी गाड़ी का टायर जो है ना वो पंचर हो गया है, तो जरा आप देख लोगे क्या, जरा ठीक कर दो ना। स्टेपनी की रॉड देना। मेडू रॉड का क्या करेगा तू भाई, आप पंचर भी निकालोगे भाई? कहां भाग के जा रहा है बे? वो बनियान का है, वो लाल बनियान का पे बोल। गाड़ी में क्यों बैठा रे? गाड़ी में बैठ तो। भाई तू क्यों मार रहा है? क्या बोला था उस लड़की को? कौन सी लड़की? अबे रोज लड़कियाँ छेड़ता क्या? नहीं नहीं वैसे बराबर से बताओ ना, कौन सी वाली लड़की? उस दिन लड़की ने धुलाई की थी, अब तू पीछे पड़ गया, और कोई मिलता नहीं क्या? उस दिन हिसाब शुरू हुआ था, आज चुकता करूंगा। सॉरी यार, सारा गुस्सा तुम पे निकल गया। हाय। भाई आप इतने दुखी क्यों हो?
थोड़ी सी गलतफहमी हो गई यार, और वो फिर चली गई। भाई तू उसे फोन करके सब कुछ समझा देना। फोन किया था फिर उसने उठाया नहीं। ओ उसने भी तो तेरी माफ़ी हमारी धुलाई कर दी थी। उससे मैं गलत फैसला लेती है हमेशा। मैं कुछ बोलूं भाई? मिनट रुक, आपका कोई दोस्त उसके आसपास नहीं रहता क्या? उससे क्या होता? उसे भाभी के घर भेज दो ना। हाँ थैंक्स। क्या रे मेरी याद आ रही है क्या? किधर है तू? सुनेगा तो पागल हो जाएगा। कंपनी बाहर भेज रही है, हैदराबाद टू बैंकॉक। अबे नरम पाओ, इसी वक्त नित्या के घर जा जल्दी। ये गौतम भी ना हमेशा मुसीबत में डालता रहेगा, यही घर लगता है। अरे भैया इधर आओ ना, घर पे कोई है क्या? नहीं है। कहाँ गए सब लोग? शादी पे गए। शादी में? किसकी? मैडम की। ओ मैडम की। मैडम बोले तो नित्या, नित्या शादी करी है। शिट गौतम, शादी कहाँ हो रही है? ओ शिट, पिंकी पेट्रोल पंप पे हो यार। अरे गौतम ये रहा, ये देख नित्या का लेटर। हाय पिंकी, आंटी की मौत के बाद गौतम अब अकेला होगा ये सोचकर मैं उससे मिलने आई, लेकिन वहां काव्या को देखकर पता चला वो अकेला नहीं है, असल में अकेली तो मैं हूँ। अब मैं हमेशा के लिए सबसे दूर बैंगलोर शिफ्ट हो रही हूँ। मैं फिर कभी हैदराबाद नहीं आऊंगी। मैंने गौतम को खो दिया है, लेकिन प्यार सिर्फ उसी से करती हूँ। बट आई होप वो काव्या के साथ खुश रहे। नित्या मुझे बैंगलोर जाना होगा। तेरी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं रहे। अरे बात को समझो, मुझे नित्या की शादी को रोकने दो, उसके बाद तुम जहां कहोगे चलूंगा। सारे मजनुओं का यही हाल है। अरे मेरी जिंदगी का सवाल है। हे रोमियो, टेंशन काय को ले रहा है? परसों तो वो तेरे साथ थी ना, कल उसकी दीपक के साथ एंगेजमेंट हुई थी, और आज किसी तीसरे के साथ शादी कर रही है। उस लड़के के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकता, पर वो उसकी भी नहीं रहेगी। नित्या के खिलाफ एक लफ्ज भी मत बोलना। इतनी पसंद है तेरे को? यहाँ है। गलती हो गई मेरे से, तेरे को छोड़ना नहीं चाहिए था। अब ये बोल, तुझे छोड़ूं या ना छोड़ूं? बोल, ठोक दो तुझे। उसने कहा था उसकी बात न मान के गलती की, पेडी रेड्डी ने वॉर्न किया था। पेडी रेड्डी? अब ये कौन है? तेरी लवर, नित्या का बाप। उसने मुझे तेरे को किडनैप करने को कहा था। अबे नित्या के बाप का नाम नारायण राव है। नारायण राव? पेटी रेडी नहीं? नहीं तो है? मतलब तेरी लवर नित्या पेटी रेडी की बेटी नहीं? नहीं भाई। मतलब तुम पेटी रेडी की उसकी बेटी को भगाने की कोशिश नहीं कर रहे हो? एक बार ये पेटी पेटी रेडी रेडी खेला ना तो तेरे भेजे में सारी गोलियां डाल दूंगा, समझा के नहीं? 15 साल के करियर में मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं हुई थी। वो तुम नहीं हो तो वो कौन है? तेरा नाम क्या है? गौतम। गौतम? I'm John, John Abraham. अगर किडनैप करना आता नहीं तो ये धंधा शुरू क्यों किया? relax, मुझे समझने में क्यों फंसाया? तू वो कार लेके क्यों घूम रहा था? AP03K999। अब मैं तो तेरी पसंद की गाड़ी में शादी रोकने जाऊंगा क्या? ए, गौतम, एक आखिरी बार मेरे को समझा, मुझसे गलती कहां पर हो गई आखिर? अरे यार ये फ्यूज का है, ये मिल क्यों नहीं रहा है? मुझे नहीं लगता ये ठीक हो रही है। हमें कब ठीक होगी? कर रहा हूं भाई। स्टॉप 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 प्लीज, बैंगलोर तो छोड़ दीजिए। आ जा बैठ जा। ठीक है। ए, सुनो,
मैं इस गाड़ी में जा रहा हूँ, तुम लोग आ जाना। तू जा। यार एक चाय मिलेगी? AP03K999 मिल गया रे। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? नित्या अगर किसी और की हो गई ना तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। पेड़ी रेड़ी, मैं नहीं बचूंगा। क्या कर रहा भाई? अरे चुप कर, बोला ना चुप। ए, मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। अबे तू कौन है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अबे जब सांप सीढ़ी के खेल में ही मैं सांप का फन कुचल सकता हूँ तो सोच तेरा क्या हाल करूंगा। और सुन, जॉन को मैं कुचल चुका हूं। तूने उसे झूठ काहे को बोला? क्योंकि मरे हुए आदमी को कोई मारना नहीं चाहता। अब वो तेरे पीछे नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच साले। साला किसको बोला? अरे मेरा सारा हुआ ना, अपने बहन के पति को बचाया तूने। अरे वीराने में क्या रिश्ते बना रहे, पहले पता कर कहां पे हैं हम लोग। अरे शादी कहां है ये बता ना। बैंगलोर। सारी तैयारियां हो चुकी है देवी, शुभ मुहूर्त पर पूजा आरंभ होगी। कुछ दिनों पहले ऐसी ही शादी में चोरी हुई थी। हाँ वो दूल्हे का मामा है, सब संभाल लेगा वो। एक किडनैपिंग ठीक से नहीं कर सकता। ए साले साहब, कभी कभी गलती हो जाती है ना। ऐसी गलती कोई करता है? हम तेरी तो। रिलैक्स कूल। सॉरी। इडियट, वो हमारे पहले निकला था ना, फिर यहाँ पे पहुंचा क्यों नहीं? कब से गौतम को ट्राई कर रहा हूँ। अरे तू कौन है बे? गौतम सॉफ्टवेयर रिसेप्शन में मेरी जॉब चली गई। प्लीज कोई भी काम दे दो, मैं कुछ भी कर लूंगा। प्लीज अबे जाना यार तू। एक मिनट, वो क्या है कि मैं मदरा पीता हूँ इसलिए हर कोई मुझसे दूर भागता रहता है, पर एक मौका तो दे सकते हो। अबे निकल चल। एक काम करें क्या, गौतम के आने से पहले नित्या को किडनैप कर लेते हैं। अच्छा आइडिया। वाओ वेरी नाइस, दुल्हन को किडनैप करना, वेरी गुड जॉब। कोई ये काम करे ना करे तुम्हारा भाई ये काम करेगा। वेरी गुड जॉब, फॉलो मी। उसके सामने क्यों बोला, सबको बता देगा। इस बेवड़े पे कौन यकीन करेगा। चलो चल ठीक है, चलते। डांटना बंद करो साले साहब, जानता नहीं तो मैं कितना बड़ा क्रिमिनल हूँ। गिव रिस्पेक्ट प्लीज। तेरी रिस्पेक्ट पे तो लात मारनी चाहिए, एक छोटी सी किडनैपिंग करने की तो औकात है नहीं तेरी। माँ कसम यकीन करो साले साहब, एकदम प्रोफेशनल हूँ। अपन का नाम सुनते ही ना पुलिस वालों की पतलून गीली हो जाती है। बस और दिमाग मत खराब कर, पहले नित्या की शादी के बारे में सोच के परेशान हूँ। शादी मुबारक हो। थैंक यू। खाना वाकई बहुत अच्छा। अरे थैंक यू, तुम बहुत लकी हो। ऊपर वाले की मेहरबानी। साइड प्लीज, साइड प्लीज। एक केले के पत्ते का नारा खींच लेना। कौन आ गया यार? मेरी शादी है और ये आदमी कौन है पता नहीं यार। दूल्हा तू ही है? हाँ। शादी का लड्डू क्या हंस रहा है? गुलाब जामुन एक्स्ट्रा खाया तो ये हाल किए, हम तो दुल्हन मंगाने वाले, सोचो क्या होगा। ए, कौन हो तुम लोग, किसकी तरफ से आए हो? लड़की वाले लड़की वाले हो या लड़के वाले, हम तो आपके मेहमान हैं। ठीक है आ कहाँ से रहे हो? मुंबई से। अभी चुप ना। अरे कहाँ से भी हो सर, बस आए, ये इम्पोर्टेंट है। सर मुझे नित्या से एक बार मिलना है। दुल्हन तैयार हो रही है, कोई भी जेंट्स अंदर नहीं जा सकता। ये तो लेडीज है। क्या तुम लेडी हो? तो अंदर जाओ ना। तुम दोनों यहीं रुकोगे? क्या कहा था, तुम दोनों कहाँ से हो? हैदराबाद से। मुंबई से। कोल्हापुर में ये रहता है, इसने मुझे हैदराबाद से पिकअप किया था। बॉस रस्सी रेडी है, चाकू रेडी है, मैंने लड़की को रखने के लिए कमरा भी ढूंढ लिया है, अब सिर्फ उठाना बाकी है। अब बस मुझे अंगूठा दिखा देना, काम तमाम हो जाएगा। वो कौन है? मेरा कजिन, मेरा नौकर। कौन है? बोला? ये आप बता रही हो तुम मुझे? पहले नहीं बता सकती थी, उसकी शादी नहीं हुई है और वो मुझसे प्यार करता है। स्टूपिड, अब तो मैंने पापा मम्मी की पसंद को हाँ कर दिया है।
अब बताओ क्या करूँ? भाग जाऊँ मैं यहाँ से? हाँ, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। लेकिन तू अब क्या करेगी? वो पापा, गौतम की शादी नहीं हुई है। वो पिंकी है ना, पिंकी ने बताया। वो मुझे लगा उसकी शादी हो गई है, पर मिसअंडरस्टैंडिंग थी। पापा मैं जाऊं क्या? शादी हो गई क्या अंकल? नहीं, तैयारी चल रही है अंदर। बच गया तू, चल निकल। गौतम, मेरी गन। अगली बार फोटो देके किडनैप करना, नंबर प्लेट देके नहीं। वो लड़का याद है जिसे तुमने मंदिर का एड्रेस बताया था शादी करने के लिए? जिस गाड़ी में मैं था वो उसी की थी, पैटी रेड्डी का जमाई। लव, शादी के लिए जा रहे हो ना? आई लाइक इट। शादी की सारी तैयारी हो चुकी है ना? सारी हो गई है। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? शादी उस तरफ है। अच्छा, अब इस बुड्ढे को कौन समझाए, मैं यहाँ शादी करने नहीं, लड़की भगाने आया हूँ। बेटा, दुल्हन का कमरा कहाँ है? ऊपर है। ओ, लेडीज सारी। समथिंग इज वेरी फिशी। Kidnapping start. Let's go. Turn it, turn it, turn it. Nitya, Nitya. Om Gan Ganapate Namah, Shri Siddhi Vinayak Namo Namah. Devi Shigre Dulhan ko bulaiye. Nitya, Nitya, khol beta. तुम्हारा बाप क्या करता है? मछली करता हूँ राजा। मछली पकड़ता हूँ। मछुआरा, ये तो मछुआरा निकला। जंप करके भाग गई। क्या? ए, नित्या भाग गई, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। सुनिए, नित्या दरवाजा नहीं खोल रही है, इसे जाने मत देना। ए, तुम लोग यही रुको। क्या हो गया? नित्या दरवाजा नहीं खोल रही है क्या? लगता है नित्या भाग गई, कुल्टी मारता हूँ। हेलो, ए, भूत भूत बचाओ बचाओ। हेलो सर, प्लीज। तू कौन है? एक्सक्यूज मी, मैं हूँ। मुझे साथ चाहिए। लड़की पहले किडनैप हो गई क्या? किडनैप? तुम्हें नहीं पता? दुल्हन के दोस्त उसे किडनैप करने आए, वो भी मेरे साथ। कोई दरवाजा पीट रहा है। इसका मतलब उन लोगों ने नित्या को किडनैप कर लिया? अबे क्या कर रहा है? दरवाजा मत खोल। ये क्या, नित्या कहाँ चली गई? दिखाई नहीं दे रही। नित्या किधर है? तू कौन है? एक मिनट। किडनैप? मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, और कितनी शॉपिंग करेगी तू? मेरी किस्मत फूटी थी जो तेरे से शादी की। पेमेंट मिलेगी तो तभी ट्रांसफर करूंगा। नहीं नहीं, मत खरीदो, मत खरीदो, मत। अंकल, मुझे अर्जेंटली हैदराबाद जाना है, प्लीज लिफ्ट देंगे मुझे? मुन्ने की अम्मा, खरीद लो, खरीद लो, बिल्कुल खरीद लो। थैंक यू। मैं मंदिर बात सुनो। नहीं, कहाँ छुपाई है? नहीं नहीं, किडनैप तो छोड़ूंगा नहीं। मैं क्यों छोड़ूंगा? किडनैप बता, मेरी बात सुनो। लड़की बता, सच में बता जल्दी। एक मिनट, एक एक करके बात करो, क्लैरिटी चाहिए। कौन हो तुम लोग और नाम क्या है तुम्हारा? मैं गौतम। और तेरा क्या नाम है? गौतम। झूठ बोलता है हमसे। मेरा नाम भी गौतम है, चाहो तो हाथ डाल के आधार कार्ड निकाल लो। ए, ज्यादा बकवास नहीं, लड़की को किडनैप करके कहाँ छुपा है? देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, उसे किडनैप करने के पीछे हम। ये फुल प्रूफ किडनैपिंग है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं अपने गूंगे बाप की भी नहीं सुनता। पिताजी, आप कमिश्नर को फोन करो ना। कॉल करना, कमिश्नर रामचंद्र, 9704282252। तू सच में कमिश्नर को जानता है? अरे बिल्कुल जानता हूँ, उस दिन मेरे घर आया था भाई अपना, घर के टीवी पर, मतलब टेंशन मत ले तू। इससे या किडनैपिंग से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं है? ये क्या कह रहे हो दूसरे गौतम?
ए चिंटकली पिंप पपलू इधर आ। देवी और सजनों हम खेलेंगे किसने की किडनैपिंग। पहला सवाल शादी का इनविटेशन दिया था क्या? बिल्कुल नहीं। अब ये रहा दूसरा सवाल, ये दुल्हन के कमरे में चुचुचुचु क्या कर रहा था? चाहो तो फोन ऑफ फ्रेंड करके देख सकते हो, पर मैं फोन लेके नहीं आया। प्रीपेड में पैसा बहुत कटता है। तुम लोग कितने आदमी आए हो? हम पांच पापा पांच। क्या बोल रहे हैं? उसको बुलाना, उससे पहले कल्टी मार लेते हैं। तुम लोग अब तक यहाँ पर ही हो? नित्या को किसने किडनैप किया? यही तो है स्पॉन्सर। देख लिया इसने, हमारा प्लान कामयाब हो गया। तो इसने हमें मरवा ही दिया। सारे जेवर दे दो, चलो जल्दी करो। प्लीज हैदराबाद ड्रॉप कर दीजिए और आप चाहे तो ये सब ले लीजिए। जेवर उतार। रोना नहीं। कहाना रो मत। कहाना रो मत, रोने का नहीं। अरे यार, हमेशा ऐसा ही होता है। जब भी गौतम से मिलने जाती हूँ मुसीबत में पड़ जाती हूँ। ना मैं उसे बता पाई ना वो बता पाया। पहली बार बताने वाली थी तो काव्या की फोटो उसके रूम में देखी। काव्या? और दूसरी बार मंगलसूत्र पहने हुए काव्या को घर में देख लिया। तो क्या सोचती मैं? रहने दो, मेरी किस्मत ही खराब है। गोली से उड़ा दो मुझे हा? और उसके बाद गौतम को भी मार देना। मेरे बिना जीकर करेगा भी क्या? बेचारा। नित्या? मेरा नाम कैसे पता? नित्या, गौतम, काव्या। काव्या, गौतम, नित्या। तुम्हें कैसे बताओ? तेरा बड़ा भाई। जब तक ये बताएगा नहीं हम इसे छोड़ेंगे नहीं। चुप, पकड़ तो लिया हम दोनों को। प्रॉब्लम क्या है? मारो पटक के। दीदी, अगर गन वापस कर दो तो जैसा दिल करे, जैसा दिल करे। टेक योर टाइम। तुम जानते हो ना मुझे क्या सुनना है? चलो बोलो। पहली बार हम शादी में मिले थे, दूसरी बार अच्छा रुको, बोलता। एक्चुअली उस दिन रेलवे स्टेशन पर ही मैं सच बोलने वाला था, पर वो दीपक बीच में टपक गया, फिर काव्या के साथ मेरी बात आगे बढ़ी। मतलब काव्या के साथ तूने वो किया ना? अरे मेरे को काय को नहीं बताया तूने? मालूम था तू एक नंबर का। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे तू चुप रहना भाई। काव्या के साथ बात बड़ी मतलब रिश्ते की बात बड़ी और कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी, हेलो। और वो मेरे दोस्त कहते थे कि नित्या दिखने में खास नहीं है, हाइट भी छोटी है। अब ऐसा मैं नहीं, वो बोलते थे। मेरे लिए तो तुम किसी हीरोइन से कम नहीं हो, बल्कि तुम तो मेरे लिए ऐश्वर्या राय हो। जल्दी कल्पना राय बनने वाली है, थोड़ी डाइटिंग शुरू कर। अपना वाइफ एक गोली से मार दो ना। मैं धीमी आवाज में बोलता हूं, यू कैरी ऑन। हेलो, आगे बोलो। हाँ बोलता हूँ। डैडी, मुझे ये फिल्मी स्टाइल से प्रपोज करना नहीं आता है। नहीं। जब हम मिले तब मेरे दिल में कुछ भी नहीं था, और यही मेरी गलतफहमी थी। जब काव्या और सिमरन जैसी लड़कियों से ब्रेकअप हुआ तो लगा प्रॉब्लम मुझ में ही है, पर अब जाके पता चला कि मुझे उनसे सच्चा प्यार ही नहीं था, वो तो बस दिल लगी थी। और मुझे इसकी सजा भी मिली, तुम जानती हो। लेकिन अगर तुम मुझे मिल गई ना तो जख्म भर जाएंगे। तुम किसी और की होगी ये सोच के मेरी जान जल रही थी। अरे तुम्हें बचाने के लिए तो मैं गेतक बन गया, इतनी दूर से तुम्हारी शादी रोकने आया। दिल तो कर रहा तुम्हें बहुत बातें सुनाओ, इतनी भी अकल नहीं है तुम्हें? खींच के दूं कान के नीचे। जब दिख रहा था मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मुंह से उगलवाने की क्या जरूरत थी? इशारा समझ के बस मेरा हाथ पकड़ लेती ना। जानता हूं तुम कितनी जिद्दी हो, मेरे मुंह से सुन के ही रहोगी ना? तो सुनो, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताओगी? मम्मी कसम, मैं एक अच्छा हस्बैंड बनूंगा, प्रॉमिस।
फिर भी तुम्हारे मुंह से वो शब्द सुनने हैं। एक बार बोल दो ना। आई यू मैं तुमसे मुझसे क्या सिर्फ तुमसे चुप कर। क्या कर तू क्या चाहती है मैं बच्चों के डायपर्स बदलने यहाँ से आऊँ इतनी दूर से ये लेडीज का काम है। हाँ वही क्या करें इसका तू खाना बना डालते से दीदी 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 ए चल गाना गा। आपने एक प्रोफेशनल किडनैपर है कोई गाने बजाने वाला नहीं जानू ए चल गाना गा।